Hello everyone, welcome to class number 25 of the chapter data structure. So aaj ke class ka hamara discussion ka topic hai deleting the first node of the single linked list. Ek single linked list mein agar first node jo hai us first node ko agar hum delete karna chahte hain to us particular first node ko hum single linked list kaise delete kar sakte hain uske bare mein aaj ke class mein hum discuss karenge. To chaliye shuru karte hain discussion, pehle usko diagrammatically hum samajhne ki koshish karte hain. तो कोई भी एक लिंक लिस्ट से डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले पहले हमें एक लिंक लिस्ट क्रिएट करना होता है. तो मैंने यहाँ पे एक सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट किया जहाँ पे तीन नोड्स अवेलेबल हैं. तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट नोड को डिलीट करना है. तो फर्स्ट नोड को हम कैसे डिलीट करेंगे, ओके. तो इसके प्रोसेस में फर्स्ट हमें यूज करना पड़ेगा एक पॉइंटर. सपोज मैंने यहाँ पे लिया टेम्प पॉइंटर जो कि वही फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है जिस पर्टिकुलर नोड को हमारा हेड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, ओके. तो जबकि हम फर्स्ट नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो हेड पॉइंटर हमेशा लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है. तो जबकि ये नोड डिलीट होने वाला है तो ये तो और फर्स्ट नोड होके रहेगा नहीं. तो अभी फर्स्ट नोड कौन होगा ये, तो अभी हमारा हेड पॉइंटर किसको पॉइंट करना चाहिए, इस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट करना चाहिए. तो हमारा हेड पॉइंटर इस पर्टिकुलर नोड को कैसे पॉइंट करेगा, हमारा हेड पॉइंटर इस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट करेगा एक स्टेटमेंट के थ्रू. तो क्या स्टेटमेंट हम लिखेंगे, टेम्प पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, इस पर्टिकुलर नोड को. और टेम्प पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन में वैल्यू क्या है, 2000, ओके. तो हम क्या कर सकते हैं, हेड पॉइंटर को असाइन कर सकते हैं अभी टेम्प पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन के वैल्यू के थ्रू, जिसके द्वारा अभी हेड पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा. और हेड पॉइंटर इसको पॉइंट करने के बाद अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको इजिली डिलीट कर सकते हैं, ओके. ये डिलीट हो गया. ये डिलीट होने के बाद अभी हमारा हेड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है जिस नोड को, वो हमारा फर्स्ट नोड है. तो सक्सेसफुली हमने यहाँ पे क्या कर लिया, सक्सेसफुली हमने हमारे लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को डिलीट कर लिया और हेड पॉइंटर के थ्रू हम सेकंड नोड को एज अ फर्स्ट नोड अभी पॉइंट कर रहे हैं जो कि अभी हमारे लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड के हिसाब से कंसिडर किया जाएगा, ओके. तो ये तो डायग्रामेटिकली हमने समझा कि कैसे एक सिंगल लिंक लिस्ट से फर्स्ट नोड को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं. तो अभी प्रोग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक सिंगल लिंक लिस्ट से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नोड को कैसे डिलीट कर सकते हैं. तो फर्स्ट नोड को डिलीट करने से पहले पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा. तो यहाँ तक स्टेटमेंट जो है हमने एक सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट कर लिया है. सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट करने के बाद मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, मैंने अभी इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया जिस पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू मैं क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट नोड को डिलीट करने वाला हूँ, ओके. तो आते हैं देखते हैं कि कैसे हम फर्स्ट नोड को डिलीट करने वाले हैं एक सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर से. पहले हम चेक करेंगे कि हमने यहाँ पे क्या पास किया आर्गुमेंट के हिसाब से, हेड पॉइंटर, क्योंकि हमें हमेशा फर्स्ट नोड से ही काम शुरू करना है, फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है हेड पॉइंटर. तो पहले चेक करेंगे कि हेड पॉइंटर का वैल्यू नल है क्या. अगर हेड पॉइंटर का वैल्यू नल होगा इसका मतलब लिंक लिस्ट में कोई भी नोड है ही नहीं, पूरा लिंक लिस्ट ऑलरेडी एम्प्टी है, तो उसे और डिलीट क्या करेंगे. तो अगर हेड पॉइंटर का वैल्यू नल है मतलब हमारे लिंक लिस्ट में कुछ भी नोड अवेलेबल नहीं है, मतलब हमारा लिंक लिस्ट ऑलरेडी एम्प्टी है, तो वो प्रिंट कर देगा लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी. एल्स बट अगर हमारा हेड पॉइंटर का वैल्यू नल नहीं है मतलब वो कोई ना कोई नोड को पॉइंट कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ नोड हमारे लिंक लिस्ट में अवेलेबल है, ओके. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और एक पॉइंटर लेना पड़ेगा टेम्प जो कि हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट करे, ओके. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे लिया एक पॉइंटर टेम्प जिस पर्टिकुलर पॉइंटर को हम असाइन कर रहे हैं हेड पॉइंटर का वैल्यू, क्योंकि हेड पॉइंटर फर्स्ट नोड को जबकि पॉइंट कर रहा है और हमें ट्रैवर्सिंग जबकि फर्स्ट नोड से करना है, तो यहाँ पे मैंने टेम्प पॉइंटर को असाइन कर लिया हेड पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस, ओके. अभी मुझे क्या करना है, हेड पॉइंटर का वैल्यू अपडेट करना है. जबकि ये पर्टिकुलर नोड अभी डिलीट होने वाला है तो अभी फर्स्ट नोड कौन होगा ये, और फर्स्ट नोड जबकि ये होगा तो इसका एड्रेस क्या है, 2000. तो इसका एड्रेस जो 2000 है वो किसके पास है, अभी टेम्प पॉइंटर या फिर खुद हेड पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है, ओके. हेड पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन में वैल्यू क्या है, उसके लिंक सेक्शन में वैल्यू है 2000. अभी हमें क्या करना है, खुद हेड पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन का वैल्यू अभी हम असाइन करना चाहते हैं खुद हेड पॉइंटर को, ओके. तो अभी हेड पॉइंटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2000. तो अभी हेड पॉइंटर का वैल्यू जबकि 2000 होगा वो पॉइंट करेगा 2000 एड्रेस वाले नोड को, ओके. तो अभी हेड पॉइंटर जबकि इसको पॉइंट कर रहा है तो अभी इस पर्टिकुलर नोड को हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. तो इस पर्टिकुलर नोड के लिए हमने जो मेमोरी एलोकेट किया था, कैसे एलोकेट किया था, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट किया था बाय यूजिंग मैलॉक फंक्शन.
तो अगर हम कोई भी मेमोरी डायनामिकली एलोकेट करते हैं, उस डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी को फ्री करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के प्रीडिफाइंड फंक्शन, उसका नाम है फ्री। सो फ्री फंक्शन यूज करके हम क्या करेंगे, टेम्प पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहे हैं, अगर हम फ्री करना चाहते हैं कोई भी एक डायनामिकली मेमोरी एलोकेट हुआ मेमोरी को, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई पॉइंटर की जरूरत होता है जो पॉइंटर के उस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट करता रहे। तो इसीलिए टेम्प पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उस पर्टिकुलर नोड को। तो हम क्या करेंगे, अभी टेम्प पॉइंटर को अगर फ्री फंक्शन के थ्रू फ्री करना चाहेंगे तो फ्री, ये जो टेम्प पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है वो नोड अभी फ्री हो जाएगा, वो पर्टिकुलर नोड जिस मेमोरी स्पेस को एलोकेट किया था वो मेमोरी अभी फ्री हो जाएगा। ओके, तो मेमोरी फ्री होने के बाद टेम्प पॉइंटर अभी भी उस पर्टिकुलर नोड के एड्रेस को होल्ड करके रखा है जिस एड्रेस का कोई भी मेमोरी लोकेशन यहाँ पे एलोकेटेड है ही नहीं, क्योंकि उस पर्टिकुलर एलोकेटेड मेमोरी को हम फ्री कर चुके हैं, रिमूव कर चुके हैं। ओके, तो अभी हमें फिर क्या करना जरूरी है, टेम्प पॉइंटर का वैल्यू अपडेट करके वहां पे नल वैल्यू स्टोर करना जरूरी है। तो यहाँ पे अपडेट कर लिया हमने टेम्प पॉइंटर का वैल्यू और उसका वैल्यू हमने वहां पे अपडेट करके किया नल। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हेड पॉइंटर का वैल्यू, हमारा डिलीशन ऑपरेशन खत्म हो चुका है। ओके, डिलीशन ऑपरेशन हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है, बट अगर हम देखना चाहते हैं कि हमने जो डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म किया वो सक्सेसफुली हुआ है या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हेड पॉइंटर के वैल्यू को रिटर्न करेंगे किसके पास, जहां से हमने फंक्शन को कॉल किया था। आगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने कॉल किया था तो यहाँ से वैल्यू रिटर्न जाएगा किसके पास, इसके पास, और यहाँ पे वैल्यू स्टोर होगा इसमें। ओके, तो हेड पॉइंटर का वैल्यू अभी क्या होगा, हेड पॉइंटर का वैल्यू होगा 2000 जो कि हमने पास किया था, कहां से, जो कि हमने यहां से पास किया था। ओके, तो अभी हेड पॉइंटर का वैल्यू हो गया 2000 जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। अभी हेड पॉइंटर का वैल्यू हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे करंट पॉइंटर को, क्योंकि करंट पॉइंटर यूज करके अभी हम क्या करेंगे, ट्रावर्स करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं कि सक्सेसफुली हमने फर्स्ट नोड को अगर डिलीट करना चाहा था फर्स्ट नोड डिलीट हुआ है या नहीं। ओके, तो ये ट्रावर्सिंग कब तक चलेगा, जब तक हमारा लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाता, फिर जब तक हमारा पॉइंटर का वैल्यू नल नहीं हो जाता। सो अभी वो क्या करेगा, करंट पॉइंटर, एक करंट पॉइंटर हम लेंगे, करंट पॉइंटर को असाइन करेंगे हेड पॉइंटर का वैल्यू। तो करंट पॉइंटर अभी जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डाटा सेक्शन में वैल्यू क्या है, 50, तो प्रिंट करेगा 50। फिर करंट पॉइंटर के वैल्यू को अपडेट करेंगे, करंट पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन का वैल्यू क्या है, 3000। तभी करंट पॉइंटर पॉइंट करेगा 3000 एड्रेस वाले नोड को, फिर जाके ऊपर चेक करेगा करंट पॉइंटर का वैल्यू नल है क्या, नहीं है, तो फिर से अंदर आएगा और करंट पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डाटा सेक्शन का वैल्यू प्रिंट करेगा 60। प्रिंट करने के बाद फिर अपडेट करेंगे करंट पॉइंटर का वैल्यू करंट लिंक, तो करंट पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन का वैल्यू क्या है, नल, तो अभी करंट पॉइंटर का वैल्यू हो जाएगा नल। तो जब करंट पॉइंटर का वैल्यू हमारा यहाँ पे हो जाएगा नल, तो अभी फिर ऊपर जाएगा चेक करेगा कि करंट पॉइंटर का वैल्यू यहाँ पे क्या है, नल, तो कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स मतलब तब तक वैल्यू वो क्या प्रिंट करेगा, 50 एंड 60। ओके, तो वैल्यू जबकि वो प्रिंट करेगा 50 एंड 60, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, जबकि वैल्यू प्रिंट करे 50 60, तो वहां पे हमें कंफर्मेशन मिला कि फर्स्ट नोड जिसका वैल्यू हमारा था 40 वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, इसीलिए सिर्फ हमें वो दो नोड ही दिखा रहा है 50 एंड 60, दो नोड के वैल्यूज को ही दिखा रहा है 50 एंड 60। ओके, सो पता चला कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल लिंक्ड लिस्ट के फर्स्ट नोड को डिलीट कर सकते हैं, जिसको हमने डायग्रामेटिकली भी समझा और प्रोग्राम के थ्रू भी समझा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।